हाय गाइस, तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साड़ी की वीडियो। मतलब हम सीधे पल्ले में साड़ी किस तरीके से वेयर करें। मुझे साड़ी वेयर करना नहीं आता है। अगर आप लोगों को लगे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये वाली साड़ी पहली बार बनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैंने क्या गड़बड़ की है और सही बानी है कि नहीं बानी है, ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं आती ज़्यादातर साड़ी वगैरह बांधना। तो आज मैं सीधे पल्ले वाली साड़ी बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने साड़ी को टक कर लिया है, उसको पीछे तक घुमा के आगे ले आई हूँ, और ये पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पल्लू ले लिया है, पल्लू को डाल लूँगी मैं पीछे, और पीछे से इस वाले पोर्शन को जो है अच्छे से खींचते हुए मैं आगे लेके आऊँगी। देखिए इस वाले पोर्शन को जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको टाइटली खींचते हुए मैं आगे ले आऊँगी, क्योंकि इससे ना हमारी साड़ी का जो लुक है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए टाइट खींच के मैं इसमें इसको जो है सेफ्टी पिन से अच्छे से सिक्योर कर दूँगी, ताकि ये जो है ढीला वगैरह ना हो और हमारे जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाए। तो देखिए यहाँ से जो है अब मैं अपनी प्लेट्स को बनाना करूँगी शुरू। तो ये देखिए मैं अपनी प्लेट्स बनाना शुरू कर लेती हूँ, और प्लेट्स वगैरह मुझे इतनी अच्छी बनानी नहीं आती है, पर लेकिन हाँ मैं अपनी खुद से साड़ी जैसे तैसे ठीक ठाक बांध लेती हूँ। ज़्यादा अच्छी नहीं बांधती तो ठीक ठाक तो बना ही लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी प्लेट्स बना रही हूँ, और आप लोगों को प्लेट्स बनाने का अगर वीडियो देखना है कि प्लेट्स हम कैसे बनाएं ताकि हमारे प्लेट्स अच्छी सी बने, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूँगी। और बाबू मुझे परेशान कर रहा है, वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है। तो बस ये देखिए मैं अपनी प्लेट्स जो हैं उनको एक साथ कर लूँगी, क्योंकि प्लेट्स बनाते समय ना इधर उधर हो जाती हैं, तो हम उसको एक साथ कर लेंगे। तो मेरी जो ये फर्स्ट वाली प्लेट है, ये जो नीचे जो है ना फूल वगैरह उसकी वजह से साइड से भाग रही है, तो ये प्लेट्स बिल्कुल ठीक है, बस ये जो फूल है ना बीच में इसकी वजह से ये इधर भाग रही है। तो देखिए हमारी प्लेट्स बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गई हैं, नीचे तक देखिए अच्छी हैं। तो बस इनको मैं एक साथ करते हुए अभी मुझे अंदर की साइड इनको टक करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कर दी है, और बस हमारी प्लेट वगैरह ये सब बन गई हैं। अब मुझे बनाना है पल्लू। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना, अगर इसको हम टाइटली कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक लुक आ जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पल्लू बना लूँगी अपना, और पल्लू को बनाने के लिए भी हमें एक साइड वो प्लेट्स बनानी होती है, मतलब एक जैसी प्लेट्स। तो जो हमारी फर्स्ट जो प्लेट होती है ना वो हमेशा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, बाकी प्लेट्स जो हैं वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे लिए जो फर्स्ट प्लेट अगर छोटी हो जाती है तो बाकी की प्लेट्स दिखने लगती हैं और वो काफ़ी गंदा दिखता है, फिर अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए फर्स्ट वाली प्लेट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी, और बाकी आपको जैसा पसंद हो आप वैसा भी रख सकते हैं। और बाबू भी खेल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से अपनी प्लेट्स बना ली हैं पल्लू वाली, और इनको अभी मैं अपने शोल्डर के ऊपर रख दूँगी, कंधे के ऊपर मतलब रख दूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा पल्लू बनके तैयार हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं कभी बनाती नहीं हूँ तो मैंने सोचा था पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सीधे पल्लू वाली साड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है बनाने के बाद में। तो बस ये देखिए मैं इसको सेफ्टी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, और मेरे पास पिन भी नहीं थे जब मैं साड़ी बांधने लगी, फिर मैं कैमरा बंद करके पिन ढूंढ के लेके आए अच्छे से, फिर मैंने पिन लगाए साड़ी में। तो देखिए एक पिन को जो है मैं यहाँ पे सिक्योर करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए इससे क्या होता है कि हमारा पल्लू इधर उधर नहीं भागता है, बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। आपके पास और सेफ्टी पिन हो तो आप इधर प्लेट्स में लगा सकते हैं, और आप जब साड़ी को पल्लू को सर पर रखेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, लगते हैं एकदम नई नवेली बहू की तरह। तो ये देखिए आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बाबू की आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं क्या क्या खेल रहा है। तो देखिए आप अगर आपको पेट वगैरह दिखता है तो आप यहाँ पे भी पिन लगा सकते हैं, अच्छे से इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए कैसी लगी साड़ी और लुक कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, बड़ी मेहनत लगी है सच में। तो प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी आपको साड़ी, और आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके की वीडियो
तो बस गाइस देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ चारों तरफ से कि कितने अच्छे तरीके से बांधी है मैंने। मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, और मेरा रूम बहुत ज़्यादा छोटा सा है, गंदा सा है, तो प्लीज़ उसे भी इग्नोर कीजिएगा। बाबू जो है ना इधर उधर पेंसिल चलाता रहता है, और ये सामने सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो ये देखिए मेरे प्लेट्स कितने अच्छे तरीके से बन के हो गई हैं तैयार, ये देखिए, है ना। तो ये देखिए, और ज़रूर बताइएगा कैसे लगे कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी। तो बस देख लीजिए आप सब लोग, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैंने ना ये सीधे फूलों वाली साड़ी बांधी है, ये दो रंग की साड़ी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत ही मेहनत से मैंने बांधी, आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी साड़ी कभी नहीं बांधी। मैं हमेशा पीछे पल्ले वाली साड़ी बांधती हूँ, आगे पल्ले वाली मैंने आज तक कभी नहीं बांधी, ना ही अपनी शादी में, नहीं शादी के बाद, 5 साल हो चुके हैं शादी को। और तो बहुत मेहनत लगी गाइस, ये मेरी शादी की ही साड़ी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और आप लोगों को अच्छी लगी हो ना। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं, बहुत मेहनत लगी है मुझे। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, और अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।